कहावत है कि चमत्कार को नमस्कार है, कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के चकवन कालीधार के गांव कोके में, जहां पर राजकुमार और बीना देवी के घर में स्थापित माता वैष्णो देवी की मूर्ति से शीतकालीन नवरात्रों के 8वें नवरात्रे से मूर्ति से सिंदूर गिरने लगा है, जिसका ढेर वहां पर इकट्ठा हो गया है। दूर दूर से लोग इस मूर्ति और उससे निकलने वाले सिंदूर को देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर रोजाना हवन पूजा और चौकी का प्रबंध किया जा रहा है। राजकुमार और उनकी पत्नी बीना ने बताया कि उन्होंने 8 साल पहले यहाँ पर माता वैष्णो की मूर्ति स्थापित की थी और वे रोजाना सुबह और शाम माता की आराधना, पूजा और संध्या करते हैं। उनकी बेटियां भी माता की अन्य भक्त हैं। उन्होंने कहा कि शरदकालीन नवरात्र के 8वें नवरात्रि में जब भी पूजा करने लगे तो माता की मूर्ति से सिंदूर गिरने लगा। उन्होंने उसे माता का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया, परंतु सिंदूर इतना ज्यादा गिरने लगा कि वह एक ढेर में बदल गया, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आने लगे और माता के मंदिर में माथा टेकने लगे। उन्होंने कहा कि माता की कृपा उनके परिवार पर हुई है, क्योंकि हर रोज माता का ध्यान, पूजा अर्चना और संध्या करते हैं। ऐसे में माँ की कृपा उनके परिवार पर 8वें नवरात्रि को हुई है, जिसके लिए वे अपने आप को धन्य मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे यहाँ पर माता का बड़ा मंदिर बनाने की इच्छा व्यक्त करते हैं और उसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, वे यहाँ मंदिर बनाएंगे ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों को माँ के दर्शन हो सकें। उन्होंने कहा कि माता की कृपा उनके परिवार पर है और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि माता उनके अंग संग रहती है। 23 तारीख को, शुक्रवार को सुबह देखा जा सिंदूर गिर रहा था। हमें नहीं पता था ये क्या चीज़ है, हम तो डरे हुए लोग थे, हम डर गए थे क्या है। अभी लगातार थोड़ा थोड़ा करके सिंदूर गिरता है, हर रोज थोड़ा थोड़ा गिरता है। नहीं सुधारू तो अभी आसपास के आ रहे हैं, दूर का धीरे धीरे करके आएंगे। हाँ है तो खुशी की बात ही हमारे घर में ऐसा। और हमें लोगों को जब पूछा कि क्या चीज़ है, तो उन लोगों ने बताया कि ये माता वैष्णो देवी की मूर्ति से आपका जब स्थापना की थी, स्थापना करने के बाद 8 साल हो चुके हैं। नवरात्रे में ये चीज़ हमारे मूर्ति से सिंदूर निकलना शुरू हुआ। हमें लगा अच्छा ही है, बढ़िया है, अगर हमारे घर में ऐसा हो रहा है, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। 8वें नवरात्रे में 23 अक्टूबर को सुबह 4:30 बजे 23 अक्टूबर को मूर्ति में से सिंदूर निकलने लगा था। तो हमने मतलब पंडित वगैरह से पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि वैष्णो माता आई है आपके घर में। हमारे गांव का नाम है चकवन कालीधार, तहसील है ज्वालामुखी और पोस्ट ऑफिस है गुम्बद। बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें। हम ये बोलना चाहते हैं कि इस मंदिर में मतलब दूर दूर से आए माथा टेकने के लिए श्रद्धालु, और मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। माता के चमत्कार को सब लोग नमस्कार कर रहे हैं और यहाँ पर हवन, पूजा, कीर्तन, भजन और चौकी लग रही है, जिसमें भक्त लोग इकट्ठा होकर माता की पूजा आराधना कर रहे हैं। भक्तों को प्रसाद बांटा जा रहा है। लोग यहाँ पर माथा टेकने के लिए और माता का सिंदूर लेने के लिए जगह जगह से आ रहे हैं। PR TV के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।